Hello dear viewers, this is Ayub Dinbar. Today we will discuss a grammatical item that is very much important, that is called preposition. Okay, we'll be discussing today, that's called preposition. Now, what are prepositions? Prepositions are simply the words like to, for, on, at, okay, in, etc. Words, let me write over here, words like to, on, at, in, okay, from, to, तो पहले से ही आया हुआ है एटसेट्रा. ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस. बड़ा बेकार प्रीपोजिशंस. यानी मेरे कहने का मकसद यह है कि आज हम प्रीपोजिशंस के हवाले से जो बात करेंगे, इसको आप जहन में बिठा लीजिए कि ये अल्फाज, ये वर्ड्स जो हम बोलते हैं, वर्ड्स लाइक टू, ऑन, एट, इन, फ्रॉम, एटसेट्रा, अंडर, जितने भी वर्ड्स हैं इनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. ओके, तो प्रीपोजिशंस जो हैं ये क्या डिटरमाइन करते हैं? दे डिटरमाइन स्पेस एंड टाइम. ओके, प्रीपोजिशंस दे डिटरमाइन स्पेस एंड टाइम. प्रीपोजिशंस के जरिए हमें स्पेस और टाइम का पता चल जाता है. और सबसे बड़ी बात जो इसके बारे में है वो ये है, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, प्रोनाउन्स और वर्ब्स. ओके, यूज इनकी जो है, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, प्रोनाउन्स और वर्ब्स. तो ये चीज हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि जो हमारे प्रीपोजिशंस जो हैं, प्रीपोजिशंस के लिए सबसे पहले आप जहन में रखिए कि वर्ड्स जैसे टो है, ऑन है, एट है, इन है, ठीक है ना, इन टू है, ऑन टू है, उबर है, बिलो है, अंडर है, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब प्रीपोजिशंस में आते हैं. ओके, नंबर वन. नंबर टू, इनका मामला ये है कि ये हमें डिनोट करते हैं. स्पेस और टाइम, इसके हवाले से हमें जानकारी मिल जाती है. सो वी गेट डिनोशंस अबाउट टाइम एंड स्पेस, नंबर वन. नंबर टू. नंबर थ्री इज दिस, दैट दे आर यूज्ड बिफोर प्रोनाउन्स, नाउन्स और वर्ब्स. वर्ब्स के पहले, नाउन्स के पहले या फिर बाकी वर्ब्स के पहले इनका इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल ले लेता हूं, लेट मी टेक सम एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं, द कैट इज इन द बॉक्स. नाउ यू सी, यहां पे प्रीपोजिशन है इन, द कैट, कैट कहां पे है? बॉक्स में, इन द बॉक्स. यानी हम ये नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट से द कैट इज बॉक्स इन द, वी कैन नॉट से, दैट इज इनकरेक्ट. सो इट डिटरमाइंस अ पोजीशन. वेयर इज द कैट? इट इज इन. इट डिटरमाइंस द स्पेस, कहां पे है कैट? कैट बॉक्स के अंदर है. द कैट इज इन द बॉक्स. ओके, या मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में, से फॉर एग्जाम्पल, ये यहां पे मेरे हाथ में मार्कर है. इफ आई प्लेस इट ऑन द टेबल, आई मे से द मार्कर इज ऑन द टेबल. द मार्कर इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. ये यहां पे लिखता हूं, लेट मी राइट द मार्कर, मार्कर इज ऑन द टेबल. द मार्कर इज ऑन द टेबल. सो इट ऑल्सो डिटरमाइंस द पोजिशन. सो इट इज यूज हियर, इट इज ऑल्सो यूज
बिफोर द नाउन। या इसी तरह से हम लिखेंगे डेजी लुक्ड एट मी। नाउ दिस इज बिफोर प्रोनाउन। डेजी डेजी लुक्ड एट मी, डेजी लुक्ड एट मी, सो इट इज बिफोर ए प्रोनाउन। ओके, सो नाउ यू सी एग्जाम्पल्स इसकी हमने समझ ली। सबसे पहले हमने ये समझने की कोशिश की कि वर्ड्स जैसे ये है, जैसे एट है, ऑन है, इन है, टू है, फ्रॉम है, अंडर है, ओवर है, अबव है, बिलो है, बिटवीन है, अमंग है, जितने भी वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशंस होती है। नंबर एक। नंबर दो, इनके बारे में हमने ये कहा कि ये डिटरमाइन करती है हमें स्पेस और टाइम। स्पेस और टाइम इस पर मैं अभी बात करूंगा आगे, इसको आप अभी तक आप जहन में रखिए। अब दूसरी बात जो मैं इसके बारे में करना चाहता हूं वो ये है कि दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, प्रोनाउन्स एंड वर्ब्स। इनके आगे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ लेट अस कम अबाउट व्हाट इज, मैंने यहां पे लिखा स्पेस। स्पेस क्या है? मैंने कहा कि हम इनका प्रीपोजिशन का इस्तेमाल स्पेस में करते हैं और टाइम में करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं लिखूंगा यह है कि स्पेस कैन बी कंसिडर्ड एज, मैं यहां पे लिखूंगा, प्लीज रिमेंबर इट, स्पेस कैन बी कंसिडर्ड, स्पेस कैन बी कंसिडर्ड एज, या मैं पॉइंट वाइज इसको लिखूंगा। नंबर वन, ए पॉइंट समथिंग विद नो डायमेंशंस। ओके, प्लीज रिमेंबर इट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ए पॉइंट और समथिंग विद नो डायमेंशंस। ये क्या होता है? मैंने यहां पे लिखा ए पॉइंट या समथिंग विद नो डायमेंशन। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है कि वहां है यहां, मतलब इसकी डायमेंशन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा, मिसाल में लिखता हूं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, एक पॉइंट, लेकिन पॉइंट है, स्पेस एक पॉइंट है, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। आपने एक वहां से वहां तक, यहां से वहां तक, ये ऐसा नहीं है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा, मिसाल में इसकी लिखता हूं, एग्जाम्पल मैं देता हूं, द प्लेन, और यू मे कॉल एरो, द एरोप्लेन और प्लेन, द एरोप्लेन लैंडेड एट दिल्ली। सो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन पॉइंट है। वेयर डिड इट लैंड, वेयर डिड द प्लेन लैंड, द प्लेन लैंडेड एट दिल्ली, द प्लेन लैंडेड एट, सो इट इज समथिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी आर, एक और मिसाल भी ले लेता हूं, वी आर गोइंग टू, से फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू, लेट मी से कुपवारा, वी आर गोइंग टू। सो यहां पे भी आप देखेंगे, यहां पे दिस इज एट एंड दिस इज टू, we are using both prepositions, but this is we are using with reference to the space. यहां पे हम स्पेस के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। We are using this in place of a space. Please remember, space क्या है? It is a point or something. ये एक point है, एक जगह है, एक जगह का determined है, लेकिन इसका कोई dimension नहीं है, कहां से कहां तक, वहां से यहां तक। जैसे जहाज दिल्ली में उतरा, मैं कुपवारा जा रहा हूं, वो स्कूल में है, ठीक है ना, दे आर इन स्कूल, द चिल्ड्रन आर एट होम, ओके, द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड्स। मसला ये है कि यहां पे हम कोई डायमेंशन नहीं दे रहे हैं, दिस इज, सो प्लीज रिमेंबर इट, इट स्पेस इज पॉइंट, पॉइंट वन ऑफ द स्पेस इज इट दैट, ओके, point one of the space is that it can be considered as a point with something with no dimensions, okay, something with no dimensions,
So examples are here. The plane landed at Delhi. We are going to Kupwara. Okay? You can see. So this is a space when we are using preposition. इसी तरह से दूसरी चीज, एक यहाँ पे है dimension, दूसरा जो यहाँ पे है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको इसको भी बहुत importantly आप लिखिए. चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ. Is it visible from here? यहाँ से यहाँ पे लिखता हूँ a point with some dimension or line or point. यानी कहीं पर भी मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे with one dimension, okay? एक एक ही डायमेंशन है. यहां पे कोई डायमेंशन नहीं है. प्लीज रिमेंबर इट. इन दो चीजों के बीच में आप फर्क करिए. यहां पे एक एक चीज में दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे विद नो डायमेंशन, ठीक है, यहां पे विद वन और लाइन और डायमेंशन. यहां पे मैं बता रहा हूं दिस इज ओके विद वन ए लाइन विद वन डायमेंशन, वहां पे वो पॉइंट विद नो डायमेंशन. यहां पे मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पे इसको फिर से लिख रहा हूं. लेट मी राइट ओवर हियर फॉर स्पेस. लेट मी गो फॉर स्पेस जहां पे ये हमने लिखा हुआ, जिस डिटरमाइन स्पेस, स्पेस को यहां से लाने के लिए स्पेस में आप देखेंगे हमने सबसे पहले लिखा अ पॉइंट विद no dimension. ये मान लो पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट, ओके, इट हैज गॉट नो डायमेंशन. यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से इसी तरह से हमने कहा, हमने इसीलिए यहां पे मैंने लिखा था द प्लेन लैंडेड एट दिल्ली. ओके, मैंने कहा वी आर गोइंग टू से फॉर एग्जांपल कोलकाता. ये पॉइंट विद नो डायमेंशन, इट इज अ पॉइंट विद नो डायमेंशन. लेकिन दूसरा मैंने कहा अ लाइन, लेट दिस बी 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 पॉइंट, लेट दिस बी ए पॉइंट, स्पेस के हवाले से अ लाइन विद वन डायमेंशन. लाइन का डायमेंशन एक ही होता है, आपको पता है मैथमेटिकली, यू नो अ लाइन हैज वन डायमेंशन. सो दिस इज अ पॉइंट विद वन डायमेंशन विद नो डायमेंशन, दिस इज अ लाइन हैज वन डायमेंशन. ओके, रिमेंबर इट. So we are making a comparison. So this is like this. A line point with no dimension. The plane landed at Delhi with no dimension. कहां से आया, किधर से आया, कब? Okay, that is no point. We are going to Kolkata with no dimension. Now this is next thing. It is a line. Line. With one dimension, only one dimension. मिसाल के तौर पर हम लिख सकते हैं The cat is on the table. ये one dimension. मान लीजिए you consider this is a table. Okay, cat यहां पे है. Where is the cat? The cat is on the table. जैसे मैंने कहा था this is the marker, it is in my hand, the marker is on the table, the marker is on the table. Okay, इसी तरह से ये यहां पे हमने कहा ये one point, the marker, इसी तरह से हमने कहा ये लाइन में है. इसी तरह से हमने कहा the bus is on the road, the bus is on the road. Okay, तो यहां पे हमने ये कर लिया. तीसरी चीज जो मैं इसमें लिख रहा हूं वो मैं ये लिख रहा हूं ए सरफेस.
यानी आप इसको देखो, पॉइंट लाइन सरफेस, ए सरफेस विथ टू डायमेंशन, ए सरफेस विथ टू डायमेंशन, सरफेस विथ टू डायमेंशन, ए सरफेस विथ टू डायमेंशंस, एक सरफेस के दो डायमेंशंस हैं। मिसाल के तौर पर से फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये लेट दिस बी अ रूफ, लेट दिस बी अ रूफ, इट हैज टू डायमेंशंस, वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। ओके, हम रूफ के बारे में बताएंगे। लेट अस से देयर इज अ बर्ड ऑन द रूफ, लेट मी राइट, देयर इज अ बर्ड ऑन द रूफ, देयर इज अ बर्ड ऑन द रूफ। ओके, ये इस चीज को ध्यान में रखें। पहले पॉइंट, पॉइंट हैज नो डायमेंशन, लाइन वन डायमेंशन, सरफेस टू डायमेंशन। अब इसके बाद एक और स्पेस लिखेंगे हम विथ थ्री डायमेंशन, ए स्पेस विद थ्री डायमेंशंस, मिसाल के तौर पर हम ऐसे, इफ आई कैन ड्रा समथिंग लाइक ए थ्री डायमेंशन थिंग, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इट इज ए थ्री डायमेंशन। ओके, इफ आई कैन से लाइक दिस, सब फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई चीज मैं रख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट देयर बी अ टॉय, लेट देयर बी अ टॉय, इफ आई से द टॉय इज इन द बॉक्स, द टॉय इज इन द बॉक्स, द टॉय इज इन द बॉक्स। अब यहां पे, अब आप देख लीजिए, यहां पे मैं आज के इस लेक्चर को, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा बोरिंग भी नहीं बनाना चाहता हूँ, लंबा भी नहीं बनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कट शॉर्ट ओवर हेयर, आपके लिए इतना सा, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ माय फॉर माय स्टूडेंट्स, इसको मैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें, इसलिए मैं आपको मुतबादिल जुबान में भी बता रहा हूँ। आई एम यूजिंग बाइलिंगुअल मेथड, आई एम यूजिंग, अदरवाइज आई कुड गो फॉर डायरेक्ट मेथड एज वेल, बट यू नो दैट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, आपके लिए बहुत जरूरी है इसको समझना, इसलिए मैं समझाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ, रिकैप्चुलेट करने के लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग इट ट्वाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, प्रीपोजिशन और वर्ड्स लाइक टू, एन, एट, टू, ऑन, एट, इन, फ्रॉम, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, एटसेट्रा। ओके, वॉट इज दिस preposition used for? It determines space and it determines time. So how are they used? They are used before nouns, before pronouns, before verbs, like that. Now example is here, the cat is in the box, the marker is on the table, Daisy looked at me, all the three you see here, this is for is for a pronoun, for a verb, for a noun, for a pronoun, we have used it. Now, when I say these prepositions determine space and time, here for the space, I tell you a point. First of all, it is used with a space, refers to a point with no dimension. Like this, there is a point with no dimension, the plane landed at Delhi, we are going to Kolkata. There is no dimension in it. Now, there will be a line with one dimension. A line with one dimension, the cat is on the table, the marker is on the table, okay, the bus is on the route, it is one dimension. Now you see, accordingly, a surface with two dimensions, the bird is on the roof, okay, a space with three dimensions, the toy is in the box, the toy is in the box. Phir se main repeat kar raha hoon, aapki aasani ke liye,
प्रीपोजिशंस जो होती हैं ये ऐसे अल्फाज होती हैं जैसे लाइक, जैसे टू, ऑन, एट, इन, फ्रॉम, अंडर, ओवर, बिटवीन, बीनीथ, अबव, बिलो, ये सभी चीजें होती हैं, ये प्रीपोजिशंस होती हैं। प्रीपोजिशंस हमें क्या डिटरमिन करती है, ये हमें जगह और वक्त बताती हैं, जगह और वक्त बताती है, और इनको हम नाउनों से पहले, प्रोनाउनों से पहले या वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दी, द कैट इज इन द बॉक्स, नाउन से पहले आ गई। द बाकर इज ऑन द टेबल, यहाँ पे आप इन, ऑन और एट, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुई है, इन, ऑन, एट, ओके, यहाँ पे ये इस्तेमाल हुई है। इसी तरह से अब आप देखेंगे, पहले हमने कहा स्पेस, जगह, जगह के लिए एक पॉइंट जिसकी कोई डायमेंशन नहीं, मिसाल के तौर पर द प्लेन लैंडेड एट दिल्ली, वी आर गोइंग टू कोलकाता, ये इसमें कोई डायमेंशन का नहीं है। और एक और लाइन है विद वन डायमेंशन, लाइन विद वन डायमेंशन, द कैट इज ऑन द टेबल, द मार्कर इज ऑन द टेबल, ओके। इसी तरह से नाउ यू सी, एक सरफेस जिसकी टू डायमेंशन है, देयर इज अ बर्ड ऑन द रूफ, यहां पे हमने लिखा एक स्पेस विद थ्री डायमेंशन, यहां पे हमने लिखा द टॉय इज इन द बॉक्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मीट यू टुमारो इंशाल्लाह विद नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।